जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों सनातनियों, जैसा कि आपको पता है विकास दिव्य कीर्ति का जो वीडियो है माता सीता के ऊपर, तो उसके बाद आपको पता है क्या कुछ नहीं हुआ। तो इस विषय पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि नूपुर शर्मा वाला जो केस हुआ था, तो नूपुर शर्मा ने तो हदीसों से रेफरेंस भी दिए थे सारे के सारे। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि पूरे भारत में सर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट पूरा चालू हो गया था और नूपुर शर्मा के ऊपर केस भी चल रहे हैं। तो ये कि ये चीज़ विकास दिव्य कीर्ति के ऊपर लागू नहीं होगी, क्या हमारा संविधान दोगला है? क्योंकि अगर वो चीज़ अगर नूपुर शर्मा ने भी किताब से बताया था सारा का सारा, फिर भी उनके ऊपर केस हो गए, वो भागती घूम रही है, छुप रही है, सब हो रहा है। विकास दिव्य कीर्ति जो कि रेफरेंस भी महाभारत से दे रहा है, वाल्मीकि रामायण में वो चीज़ है ही नहीं जो बोल रहा है। तो वाल्मीकि रामायण में जब वो चीज़ है ही नहीं तो ये तो पूरा झूठ हो गया। तो अब क्या विकास दिव्य कीर्ति के ऊपर केस नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर नूपुर शर्मा दोषी पाई जा रही है तो विकास दिव्य कीर्ति भी दोषी होगा और उसको भी जेल होनी चाहिए, नहीं तो फिर नूपुर शर्मा के ऊपर भी केस हटना चाहिए। तो इस पे थोड़ा आप गौर करिए।